वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में हम नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे जो कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक विशिष्ट लक्षण है, अर्थात वाई सहलग्न वंशागति का एक विशेष लक्षण है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। साथ ही एक्स लिंक्ड जीन्स भी इस प्रकार की इनहेरिटेंस को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो सहलग्न जीन होते हैं वह एक ही सेक्स के माध्यम से इनहेरिट होते हैं, वंशागत होते हैं, अर्थात मेल से मेल के थ्रू मेल में ट्रांसफ़र होते हैं या फिर फीमेल से फीमेल के थ्रू फीमेल में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर मेल से मेल के थ्रू मेल में ट्रांसफ़र होने वाले जीन होते हैं वह वाई लिंक्ड होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पिता के जो कैरेक्टर्स हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर ही उसके पुत्र में पहुँचते हैं, क्योंकि पिता अपने एक्स क्रोमोसोम को पुत्री को देता है, पुत्र को नहीं दे सकता है, पुत्र को यहाँ पर वाई क्रोमोसोम देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाई लिंक्ड जीन है वो मेल से मेल के थ्रू मेल में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम कहते हैं होलोएंड्रिक। और जब एक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड जीन फीमेल से फीमेल के थ्रू फीमेल में ट्रांसफ़र होते हैं तो हम इसको कहते हैं होलोगाइनिक। यहाँ पर संपूर्ण रूप से मेल इन्वॉल्व है, मीन्स होलो एंड्रिक, एंड्रिक मीन्स मेल, और यहाँ पर संपूर्ण रूप से फीमेल इन्वॉल्व है इस इनहेरिटेंस में, तो इसको हम कहेंगे होलोगाइनिक। तो इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। तो होलोएंड्रिक इनहेरिटेंस में संपूर्ण रूप से यहाँ पर मेल ही यहाँ पर भाग लेते हैं, अर्थात एक मेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स वो उसके पुत्र में जाते हैं और उसके वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स उसके पुत्र में जाते हैं, अर्थात दादा के कैरेक्टर्स पापा में और पापा के कैरेक्टर्स पुत्र में आते हैं। तो इस प्रकार की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं होलोएंड्रिक। दूसरा होलोगाइनिक में यहाँ पर संपूर्ण रूप से फीमेल इन्वॉल्व होती है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नानी के कैरेक्टर्स मम्मी में आते हैं और मम्मी के कैरेक्टर्स उसकी पुत्री में अर्थात डॉटर्स में आते हैं, तो इसको हम कहते हैं होलोगाइनिक। यहाँ पर संपूर्ण रूप से फीमेल इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको कहेंगे होलोगाइनिक। तो आशा है आपको समझ में आया होगा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।